नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। गौ माता के देवलोक गमन पर निकाली यात्रा, मातृ प्रेम की बजाय सबकी लड़ रही थी हाथी गाय। सैकड़ों गौ भक्तों ने लिया हिस्सा। हटा भूतेश्वर महादेव मंदिर में संचालित सुरभि गौशाला में एक गाय का अचानक देवलोक गमन रविवार की सुबह हो जाने से गौ भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। गौ माता की मातृत्व प्रेम की वजह से उनके अंतिम संस्कार को यादगार बनाने के लिए गौ भक्तों ने एक शव यात्रा निकाली। गौ सेवक अंशुल तिवारी ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व एक गाय बीमार अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसको लेकर सुरभि गौशाला आ गए और करीब 1 सप्ताह तक इलाज करने के बाद ठीक होने के बाद उसे लेने कोई नहीं आया तो उस गाय का शरीर अच्छा होने से उसे हाथी गाय के नाम से पुकारने लगे। सुरभि गौशाला में जो भी बछड़े की मां जीवित नहीं रहती, उन बछड़ों की यह गाय दूध पिलाती और मां का ममत्व देती। और तो और छोटे छोटे बच्चे भी इस गाय के थन से लगकर दूध पी लेते थे। इस कारण यह गाय सबकी चहेती गाय थी। सुबह अचानक से गाय अचेत अवस्था में गिरने के बाद नहीं उठी और सांसें थम गई। सभी ने गाय की अंतिम यात्रा निकालने का निर्णय लिया। अनाश्रित गायों को लाने वाले रथ में गाय का श्रृंगार कर रखा गया, लाल चुनरिया उड़ाई गई। इसके बाद यात्रा निकालना प्रारंभ हुई। यात्रा में आगे आगे बैंड बाजे चल रहे थे, तो कोई रामधुन गा रहा था तो कोई गौ माता के जयकारे लगा रहा था। यात्रा भूतेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार, मंदिर मस्जिद चौराहा, राय चौराहा, तीनवती तिगड्डा से होते हुए पुनः भूतेश्वर मंदिर पहुंची, जहां अंतिम संस्कार किया गया। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। आज हमारे भूतेश्वर मंदिर हटा में संचालित सुरभि गौ चिकित्सालय में एक गौ माता गौलोक प्रस्थान कर गई। उन गौ माता द्वारा जो विगत 1.5 वर्षों से हम लोगों के साथ थी, उनके मातृत्व प्रेम, उनके बात्सल्य प्रेम की जो प्रेरणा उनने हमें दी और जो हमारे यहाँ वो अन्य गायों के बछड़ों को दुग्ध पान कराती थी, उनकी प्रेरणा आशीर्वाद से आज हमने उन गौ माता की शोभा यात्रा हटा में भूतेश्वर मंदिर समिति और गो और सुरभि गौ चिकित्सालय समिति द्वारा निकाली गई है। और इससे हमें यह निश्चित प्रेरणा मिली है और गौ माता का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। और मैं इससे माध्यम से यह आप लोगों को निवेदित करना चाहता हूं कि आप भी सुरभि गौ चिकित्सालय आकर गौ सेवा कर धर्म लाभ अर्जित करें। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता की जय गोपाल। ये गौ माता लगभग 1 वर्ष पहले सुरभि गौ हॉस्पिटल भूतेश्वर धाम हटा में आई थी। ये गौ माता ऐसी थी कि जितने भी अनाश्रित हम लोगों को बच्चियाँ मिलती थी, जिनकी माँ ख़त्म हो जाती थी, ये दूध पिलाती थी। मतलब तकरीबन इनने 10 गौवंश को जीवन दान दिया है। आज ये गोलोक चली गई हैं। सभी गौ सेवकों ने इनकी अंतिम यात्रा पूरे हटा में निकाली और यहाँ आज संस्कार किया गया। सभी से निवेदन है कि अपने घर में कम से कम एक गौवंश का, चाहे गैया हो या बछिया हो या नंदी हो, घर में ज़रूर पालन करें, क्योंकि गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रख सकते हैं। सभी से ही निवेदन है जय जय गौवंश का पालन करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। ये गौ माता हमारे यहाँ पर सुरभि गौ हॉस्पिटल में करीब 1 से 1.5 वर्ष पूर्व आई थी और बहुत ही बीमार हालत में आई थी, जिसका कि हम सभी लोगों ने, यहाँ के गौ सेवकों ने अच्छी तरीके से इलाज करके और उनको स्वस्थ किया। और स्वस्थता के बाद यहाँ पर जितनी भी गौ माताएँ आई हैं और वो अगर किसी कारण बस डिलीवरी के टाइम पर या एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई, तो उनके बछड़ों के लिए, उनके बच्चों के लिए इन्हीं गौ माता ने अपना दुग्धपान कराया और वो आज करीब 8 से 10 बछड़े इन्हीं के दूध से जीवित हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इनका आज हटा में अंतिम यात्रा निकाल करके उनको श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया। और आप सभी लोगों से निवेदन है सुरभि गौ चिकित्सालय की ओर से, सुरभि गौ सेवा समिति की ओर से, कि इसी प्रकार से आप लोग भी गौ माता का पालन करें और उनकी सेवा करें। इसी में, क्योंकि मोक्ष का अगर द्वार है तो